गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, सुबह सुबह का वक्त है, हम अभी जस्ट उठे हैं और हम जा रहे हैं अपनी क्यारी देखने। उधर चाय रेडी है, चाय पीते पीते के। तो गाइस चलो चलें। हमारी क्यारी है वो देखो, उस साइड सब रेडी हैं और हम चाय वगैरह लेके चल रहे हैं वहीं पे। आप लोगों को भी दिखाते हैं हमारी क्यारी, चलो देखते हैं। तो गाइस मंदिर के अंदर ना एक सरप्राइज है, चलो अंदर चल के दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखो, ये ना हमारी क्यारी के फूल हैं और नानू ने देखो कितनी सुंदर माला बनाई हुई है। सारे हमारे क्यारी के ही फूल हैं, जितने निकलते हैं ना सारे एक बार में ही चढ़ा देते हैं, देखो सब जगह। तो गाइस चलो चलें, फ्रेश फ्रेश लग रहा है बहुत, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा मौसम हुआ पड़ा है ना, सुबह का टाइम है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस ये देखो हमारी क्यारी, मुझे तो पता भी नहीं है क्या क्या फूल है, क्या क्या सब्जियाँ, क्या क्या पेड़ पौधे लगा रखे हैं नानू ने, यहाँ पर बहुत कुछ है। और गाइस थोड़े से फूल ना वो पीछे साइड भी हैं, वो देखो नानू तोड़ रहे हैं, और इस साइड भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ना मंदिर है और फोर फोर फैमिलीज हैं, तो मोस्टली यहाँ पर ना फूल ही हैं। ये तो एक ही है, बस इनके कलर अलग अलग है ना। कल एक कल ही है, अब कितने बढ़िया खिलो। तो गाइस मम्मी चाय वाली, हरियाली में चाय पीने का मजा ही कुछ और। टू मच हरियाली, इतने बड़े बड़े चाय वाले हैं तो हम ही चाय वाली बन सकते हैं ना। कैरी से और उसके बाद हम लोगों ने नहा धो लिया और अब हम यहाँ पे बैठे हैं, आलू कर रहे हैं क्योंकि हम नाना नानी के लिए बना रहे हैं समोसे, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे हम। और मम्मा आलू बना रहे हैं, ये बना रहे हैं उसका आलू पील कर रहे हैं फिर उसके बाद बनेगा। और गाइस मम्मा है वहाँ पे, वो आटा माव रही है। पता कैसे बनाती है, इधर बनाएगी उसके बाद देगी कि। तो गाइस यहाँ पर हम आलू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पूरी पोर्शन तो आलू कर रहे हैं, आप ये देख लेंगे ना बाकी हम क्या कर रहे हैं। आप कर रही हैं, हम आलू कर रहे हैं, आप तुम समझो कि कौन क्या कर रहा है। मैंने बताया कि मम्मी आटा मार रही हैं और यहाँ पे आलू पील कर रही, कुछ भी बोलती है ये, बोलती है ये, वो वहाँ वो कर रही है, मैं ये कर रही हूँ, ठीक है मिलते हैं, अब क्या कर रही है तुम समझते हो। तो गाइस यहाँ पर देखो जोरों जोरों से तैयारी चल रही है समोसे बनाने की, सब लोग पूरा लगे पड़े हैं। काम से आए थे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ मम्मा शादी से पहले और मतलब शादी के थोड़े टाइम बाद तक भी यहाँ पढ़ाती थी। ये रहा गाइस स्कूल, अब मम्मी अभी क्लास थी मम्मा की, अभी मम्मी मेरे एक या दो साल की थी मैं तब यहाँ आई थी, और अब 16 साल बाद मम्मी ने अपना ये स्कूल देखा है। हमने भी इनमें से ही कोई क्लास थी। Later that same evening. Guys, आज हम खाना खा रहे हैं कांच की प्लेट्स में, ये देखो डिनर सेट निकाला है इम्पोर्टेड, कहाँ का नाइजीरिया नाइजीरिया का ही है। कहाँ का है ये सेट, कहाँ का है ये सेट, कहाँ का है ये सेट, ये सेट नाइजीरिया का ही है। चुप रहकर पागल हो। 2 hours later. तो गाइस जाने का समय आ गया है, तो आज हम लोग जा रहे हैं वापस लुधियाना। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि सुबह हम लोग क्यारी देखने गए थे, फिर हमने मस्ती वगैरह की, और आज रात को हमारी ट्रेन है तो हम लोग निकल जाएंगे 8-9 के बीच में। एंड मैं तो रेडी एंड अच्छा नहीं लग रहा है, पर गाइस एक न्यू सरप्राइज़ है जो आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। तो हम लोगों को यहाँ फिर आना, हम लोग का आना हो सकता है यहाँ पे फिर से, तो देखते हैं अगर हम आते हैं कि नहीं आते, किस ओकेजन पे आएंगे, कब आएंगे, ये तो आपको बाद में ही पता लगेगा क्योंकि अभी काफ़ी ओकेजन्स आ रहे हैं। तो ये देखो गाइस हमने यहाँ सजावट की थी नानू के बर्थडे पे, यही सब याद आ रहा है, कुछ बैलून्स लगे हैं कुछ तो गए, तो लेकिन कोई नहीं, जो मैंने आपको सरप्राइज़ बोला है वो मैं फिर दूंगी, तो उस पर भी सेलिब्रेशंस तो होंगे। तो इसी के साथ चलते हैं अब,
एंड वहाँ पर मम्मा पैकिंग वगैरह कर रही हैं, नानी ऐसे पूरा गाइड कर रहे हैं, ये रख लिया वो रख लिया, मुझे बोला एक बार घर देख के आओ, कुछ रह तो नहीं गया, तो मैं देख लिया सब कुछ कि कुछ नहीं रह गया, बस यादें रह गई और कुछ नहीं रह गया, तो चलते हैं अब। एक आपको ये न्यू चीज़ मैंने यहाँ आके देखी और मैंने कब से सोच रही हूँ कि मैं ये दिखाऊंगी पर मैं दिखा ही नहीं पा रही हूँ, जाने का भी समय आ गया, पर आज तो मैं दिखाई दूँ, ये मैंने यहाँ पहली बार देखी थी तो आप लोगों को भी दिखाऊँ। ये देखो गाइस, ये ना मच्छर का जाल है, इसको ऐसे हटा के चले जाओ एंड पीछे ये खुद ब खुद बंद हो जाता है। देखो ये जाओ एंड इसमें मैगनेट्स लगी हैं और ये खुद ब खुद बंद हो जाता है। देखो यहाँ जब भी हम आते हैं ना, हमें कोई अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, उससे हमें पता लगता है अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, तो मैंने आप लोग को भी दिखा दिया। देख रहे हैं तैयारियाँ, देख रहे हैं आप लोग कैसे हो रही हैं। अभी पैक हो गया है, सारी की सारी तैयारी हो चुकी है और ये आशी भी, देखिए आशी तू सदमे में है, और 1.5 घंटा ट्रेन ऑलरेडी लेट है और 8 बजने वाले हैं और हम लोग निकलने वाले हैं। सारा का सारा सामान पैक हो गया है जो, बस गाइज अब जा रहे हैं खाना खाने। और ये देखो गाइज मेरी फेवरेट चीज़ आ गई यहाँ पे, वो भी जब जा रहे थे हम उसके 1-2 घंटे पहले। वाओ क्या किस्मत है मेरी, ऐसी किस्मत हो तो ऐसी ही हो, नहीं तो हो ही ना। देखो अभी हम खाएंगे खाना, फिर तैयार होंगे, नमस्ते करने जाएंगे हर जगह, फिर तो गाइज यहाँ पर हो रहा है वेट चेक। एक बार आते टाइम हुआ था, अब जाते टाइम हो रहा है, देखते हैं किसने कितना वेट गेन किया है या लॉस किया है। तुझे कैसा लग रहा है 1 किलो वजन बढ़ा के? कहते जैसा तुझे लग रहा है, सबका बड़ा है, आदि का भी बड़ा, मम्मी का भी बड़ा। तो गाइस हम सबके 1-1 किलो वजन बढ़ चुके हैं। ओके राशि बहन, वी आर गोइंग, we are going to see, yes I know, we know actually, you but you guys are liar, no you say that we'll go tomorrow and then you're going to, toh aaj hi hai tomorrow, you said tomorrow, that means tomorrow, toh koi baat nahi, thoda kar lo, samay is in your hand, samay is in my hand, wow, mujhe samajh nahi aaya, maine bola I am in kis contrast mein bolo, I am in samay's hand, समय मुझे चलाएगा। वाओ हाँ रुक जाएगा, होता है कंडक्टर कुछ होता है। अच्छा कंडक्टर चलाते हैं ट्रेन, वाओ न्यू चीज पता लगी है कि कंडक्टर ट्रेन चलाते हैं। और मैं चलो वो थोड़ा ना मैं जा रही हूँ ना, तो वो हो गया है थोड़ा। गाइस जरा 4 घंटे क्लास करने के बाद वो यहाँ वाला माल यहाँ आ जाता है, फिर उसको यहाँ आने में दिन चाहिए। बाय टू मी, बाय टू अस, चीटिंग कर रही हो? नहीं नहीं चीटिंग नहीं करती मैं, यू आर चीटिंग, नो नो गाइस, निकल रहे हैं हम लोग, तैयार हो चुके हैं सब लोग, पहने हुए कपड़े हमने रख लिए हैं और ये देखो सारे लोग तैयार हो गए हैं और अब हम लोग रखे हुए पहन लिए हैं, पहने हुए रख लिए हैं एंड गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं फाइनली। ये देखो हम लोग का बैग वगैरह सब पैक है, बस यहाँ पर ये रखने हैं कपड़े ये वाले, और अब हम तैयार हैं और हम निकल रहे हैं, तो चलो निकलते हैं। चलो गाइस टीका वगैरह हो गया है, अब उतरते हैं नीचे। कैसा लग रहा है आशी गोलू? बुरा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है, बस थोड़ा थोड़ा। अगले महीने आने की खुशी हो रही है।
तो गाइस स्टेशन पे आने के बाद हम लोग ट्रेन में भी बैठ गए थे और नानू हमें छोड़कर चले गए थे। एंड उसके बाद क्योंकि रात बहुत हो गई थी तो सब अपनी सीट्स पर जाकर सो गए थे। The next morning. तो गाइस फाइनली इस वक्त हम लोग हैं दिल्ली में और यहाँ से हमें पकड़नी है दूसरी ट्रेन। तो हम लोग वहाँ उस ट्रेन से उतर गए और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हमारी 8:15 पर ट्रेन है। तो हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पर फटाफट एंड उसके बाद हम लोग बैठेंगे वो वाली ट्रेन में एंड देन सीधा लुधियाना। एंड गाइस ये देखो लाल किला। जब हम ट्रेन में थे तब अचानक आया था तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो गाइज़ हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं लुधियाना स्टेशन पर और आते ही देखो हमें क्या दिखा है, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है। तो अब चलते हैं घर जल्दी से। तो गाइज़ फाइनली हम लोग कैब में बैठ चुके हैं और अब हम लोग सीधा जा रहे हैं घर। और वो तो अच्छी बात है कि अब थोड़ी सी बारिश यहाँ पर कम हुई है, अब हल्की हो गई है। तो ये देखो लेकिन व्यू कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। तो गाइस फाइनली इतने ज़्यादा लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं घर अपने। तो गाइस यहाँ तो वैसे मौसम ठीक है, बादल भी हैं, थोड़े धूप भी निकली हुई है, तो अच्छा है मौसम। और हर जगह ये देखो कितनी हरियाली हो रखी है। चलते हैं गाइस ऊपर देखते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए थे नीचे से, मतलब सफ़र करके इतना आए हम लोग थक गए थे। तो आकर हमने बिल्कुल भी खाना खुना किसी ने भी नहीं खाया था, आकर सारे सीधा आकर सोए थे। और दोपहर को आए थे हम 2 बजे, अपना कपड़े कपड़े बदल के थोड़ी साफ़ सफाई की क्योंकि हम नहीं थे यहाँ पे, तो हम नहीं होते तो फिर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होती ही है, थोड़ा तो लगता है। तो डस्ट वगैरह साफ़ की, 3 बज गए उतने में। फिर हमने सब ने आराम किया अच्छे से क्योंकि दिल्ली से हम सीधा बैठ के आए हैं, तो कमर सबकी टूट गई थी। और मम्मी तो ट्रेन में भी नहीं सोई थी रात को, हम तो फिर भी थोड़ा सो लिए थे, तो हम सब थके हुए थे। फिर आकर हम लोग सोए, 3 बजे से सोए थे। तो अभी हम लोग शाम को उठे 7:30 तक और अभी फिर खाने का टाइम हो रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपने इस व्लॉग को एंड। इसी के साथ हमारा सारा सेलिब्रेशन ख़त्म होता है। जो हम लोग गए थे यूपी, नानू का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया। तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा। और जो मैंने आपको बोला था कि एक सरप्राइज़ आने वाला है, वो आने वाला है, उसके लिए हमें फिर वहाँ जाना है। तो वो हम आगे आपको बताते रहेंगे, उसके बारे में अपडेट हम देते रहेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल विच इज़ अवेलेबल इन व्लॉग्स। मिलते हैं गाइस जल्द नए व्लॉग में, रहेंगे सो मच फॉर वॉचिंग। तो गाइस ये रहे हमारे रीसेंट ब्लॉग्स, इनको भी ज़रूर देखना और एंजॉय करना। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने पसंद हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय।